प्रदेश बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया दी गई है, अब जरा वो सुन लीजिए। दिल्ली ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर को सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया है। और जिन लोगों का जिक्र किया गया है महबूबा मुफ्ती जी द्वारा, चाहे शेख सलाउद्दीन है, यासीन मलिक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल किया है। कश्मीर के मुसलमानों को जब आतंकवादियों ने और पाकिस्तान वालों ने ईद नहीं मनाने दी, वहां बेगुनाह लोगों का, पत्रकारों की हत्या होने लगी, तो हमको मजबूरन वहां राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। और राज्यपाल शासन इसीलिए लगाया कि हम कश्मीर के हालात ठीक करना चाहते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति हम नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर निकली है, तोड़फोड़ करके दोबारा सरकार बनाने के लिए नहीं निकली है। जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो गए थे, कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, दिन दिहाड़े पत्रकारों की, सुजात बुखारी जैसे पत्रकार की हत्या हो गई, ईद की के लिए घर जा रहे चौधरी औरंगजेब को किडनैप करके उनकी हत्या कर दी गई, और ये पत्थरबाज खुलेआम तांडव कर रहे थे, आतंकवादी जो थे मनमर्जी कर रहे थे, और सेना के जवानों पर भी कभी कभी आप उनको तंग करते थे, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हों। सवाल ये भी है कि बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए अगर पीडीपी अध्यक्ष अपना एजेंडा चला रही थी तो बीजेपी ने पहले ही अपने आप को इन सबसे अलग क्यों नहीं किया गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।